WWE ने टीज किया महेंद्र सिंह धोनी का डेब्यू। क्या रोंडा राउजी छोड़ने वाली है WWE को? साथ ही साथ बात करेंगे कि रॉयल रंबल 2019 का विनर अभी किसे माना जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइज, आज की वीडियो की शुरुआत की जाए महेंद्र सिंह धोनी की न्यूज के साथ। तो दोस्तों, MSD क्रिकेट के प्लेयर है और वो दोस्तों एक रेसलर नहीं है, ये चीज सब लोग जानते हैं। लेकिन हाल ही में दोस्तों धोनी का नाम काफी ज्यादा उछल रहा है। दरअसल पॉल हेमन ने इस बीते हफ्ते में महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक मजाक किया था, जिसे मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन दोस्तों, अब WWE भी पीछे नहीं है और हाल ही में दोस्तों WWE ने पॉल हेमन के उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए दोस्तों यहाँ एक अजीब सा कमेंट किया है और जो लोग हैं भारतीय उनसे पूछा है कि आप महेंद्र सिंह धोनी को क्या रॉयल रंबल में एंट्री लेते हुए देखना चाहेंगी कि नहीं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं दोस्तों, यहाँ क्या कुछ कहा है WWE इंडिया ने। उनके अनुसार 10 से लेकर 1 की गिनती के बाद जैसे ही टोन बजती है और धोनी आते हैं, क्या आप ये मंजर देखना पसंद करेंगे कि नहीं। और ऑप्शन दोस्तों यस दिया है और दूसरा ऑप्शन भी दोस्तों यस दिया है, यानी कि यहां एक तरीके से टीज किया गया है कि महेंद्र सिंह धोनी आ सकते हैं रॉयल रंबल के अंदर। वेल, सभी जानते हैं कि जो महेंद्र सिंह धोनी है वो क्रिकेटिंग लेजेंड है, ना कि एक रेसलिंग लेजेंड। लेकिन यहां WWE ने उन्हें टीज किया है रॉयल रंबल के लिए। मैं नहीं जानता क्यों ऐसा WWE कर रही है। लेकिन अब हम चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है दोस्तों रोंडा राउजी से। तो कल दोस्तों रोंडा राउजी से जुड़ा एक बड़ा रूमर फैला और ये रूमर था कि रोंडा राउजी रेसलमेनिया 35 के बाद WWE को छोड़ देगी। रोंडा राउजी दोस्तों एक ऐसी खिलाड़ी रही जो कि पहले साल आई, यानी कि बीते साल में, और उसी साल वो चैंप बन गई और अभी भी वो चैंप बनी हुई है। तो ऐसे में कई लोग उन्हें हेट करते हैं और कई लोग दोस्तों चाहते हैं कि वो WWE को छोड़ दे। तो ऐसे में ये रूमर फैलाया गया। लेकिन दोस्तों यहां इस रूमर का किल हो चुका है और आज WWE के स्पोक पर्सन ने दोस्तों इस पूरे रूमर के ऊपर एक राय दे दी है और ये राय यह है कि जो रोंडा राउजी है वो 2021 तक WWE के साथ बनी रहेगी और यहां डेट दी गई है 10 अप्रैल 2021 तक, जिससे दोस्तों साफ होता है कि रोंडा राउजी WWE को नहीं छोड़ने वाली है। और यहां से दोस्तों हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि रोंडा राउजी का कॉन्ट्रैक्ट कब से लेकर कब तक है। तो दोस्तों जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन अब हम चलते हैं आज की मेन खबर के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है रॉयल रंबल 2019 के ऊपर। तो दोस्तों प्रोबेबली ये लास्ट वीडियो हो सकती है न्यूज के ऊपर, क्योंकि इसके बाद हम कवर करेंगे रॉयल रंबल को, रॉयल रंबल की प्रेडिक्शंस करेंगे, बैटिंग ऑड्स के ऊपर जाएंगे। लेकिन आज हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि रॉयल रंबल के अंदर टॉप 5 कंटेंडर कौन माने जा रहे हैं, किनके चांसेस सबसे ज्यादा है रॉयल रंबल जीतने के। तो इससे पहले भी दोस्तों ये लिस्ट आई थी, लेकिन अब ये अपडेट होकर आई है और यहां दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि नंबर एक पर कौन है। तो नंबर एक पर दोस्तों वही सुपरस्टार चल रहा है जो कि पहले चल रहा था, यानी कि दोस्तों सेथ रॉलिंस अभी के लिए माने जा रहे हैं कि वो रॉयल रंबल 2019 के विनर होंगे। नंबर दो पर जो रेसलर है दोस्तों वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन पहले नहीं थे, लेकिन दोस्तों अब वो आ चुके हैं और यहां नंबर दो पर उन्हें रखा गया है बैटिंग ऑड्स में। और यहां दोस्तों आप उनकी रेटिंग्स भी देख सकते हैं। और नंबर तीन पर दोस्तों ड्रू मैकइंटायर और उसके बाद सीना, और आखिरी यानी कि नंबर पांच पर है दोस्तों फिन बैलर, जो कि थोड़ा सा शॉकिंग है क्योंकि दोस्तों फिन बैलर ब्रॉक लेसनर के साथ मैच में होंगे। हाँ, ये चीज हो सकती है, अगर मैच पहले हो जाता है तो रॉयल रंबल का भी पार्ट हो सकते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि यहां उन्हें क्यों इतना ज्यादा ऊपर रखा गया है, क्यों उन पर इतना ज्यादा सट्टा लग रहा है। लेकिन दोस्तों यहां माने जा रहे हैं जो विनर अभी के लिए वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, और यहां दोस्तों रॉयल रंबल वो जीतने वाले हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन दोस्तों आपका दिल क्या कह रहा है आज आप बता सकते हैं, क्योंकि फिर तो रॉयल रंबल आ जानी है। तो कमेंट करके बताना मत भूलिए आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा आज के इस कमेंट बॉक्स में। वेल, आज की वीडियो इतनी सी थी दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।